कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। दोनों दिग्गज नेता नामांकन से पहले अयोध्या दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास पार्टी की ओर से कोई लिखित कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन चर्चा खूब हो रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी अयोध्या दर्शन करने पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा भी इस सवाल पर चुप रहे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे, यानी अमेठी और रायबरेली से। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक बार फिर राहुल और प्रियंका के नामांकन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दावा यह है कि 26 अप्रैल को वायनाड में दूसरे चरण की वोटिंग में वायनाड में वोटिंग हो रही है, इसके बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। 1 मई और प्रियंका गांधी 2 मई को नामांकन दाखिल कर सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। इन दोनों क्षेत्रों में नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई को रखी गई है, यानी अमेठी और रायबरेली में। हालांकि कांग्रेस हाईकमान समेत पार्टी के अन्य नेता भी रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशी के मुद्दे पर चुप हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी वायनाड में चुनाव में व्यस्त हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होनी है। राहुल गांधी को इस बार वायनाड सीट पर कांटे की टक्कर मिल रही है। आपको बता दें 7 चरणों में होने वाले इस लोकसभा चुनाव में 2024 का मुकाबला बेहद रोचक है, खासतौर से अमेठी और रायबरेली वाली सीट तो और चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने एक एक सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने लड़ने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव के बाद अब सबकी निगाहें गांधी परिवार पर टिकी है। सियासी हलकों में चर्चाएं इस बात की भी है कि कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से इस बार प्रियंका को उतारने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। बताया ये भी गया कि टीम राहुल गांधी अमेठी भी पहुंच चुकी है और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। दोनों ही नेता नामांकन से पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं, ऐसी खबर है। और इस बीच खबर यह भी मिली कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन से पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही नामांकन करने जाएंगे। खबरें ये हैं कि 1 मई को राहुल और 3 मई को प्रियंका या 2 मई को प्रियंका अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हालांकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी कोई औपचारिक आधिकारिक पुष्टि अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं हुई। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर का असर इस बात से समझ रही है कि हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले चुनाव में भी हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य दिव्य राम मंदिर बन ही गया है तो मतदान से पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। अब ये संदेश अंतिम समय पर देने पर कितना इफेक्टिव होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन हाँ अब ये बात इन्हें समझ में आ गई है। दरअसल राम मंदिर का न्योता, जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता था, वो ठुकराने को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी पहले ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण, राम मंदिर निर्माण में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी ने अक्सर अपने आरोपों में ये कहा है कि कांग्रेस राम मंदिर की विरोधी है और कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था। ऐसे में खबर इस बात की है कि आने वाले दिनों में राहुल और प्रियंका अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि राहुल और प्रियंका राम मंदिर जाकर बीजेपी को इस मुद्दे पर हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहते। इसी वजह से राम मंदिर जाकर वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश खासतौर से हिंदी बेल्ट के राज्यों को करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए सीट समझौते के अनुसार कांग्रेस 17 सीटों पर, समाजवादी पार्टी शेष 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अपने पारंपरिक गढ़ रायबरेली और अमेठी के अलावा वाराणसी, गाजियाबाद और कानपुर सीट पर भी चुनाव लड़ रही है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में वोटिंग होनी है। हालांकि राहुल गांधी के लिए अपने पुराने गढ़ में जीत आसान नहीं होगी क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। 8 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री ने अमेठी के प्रति राहुल गांधी की निष्ठा पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा है कि लोगों को पता है कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को राशन भेजते हैं। अगर गांधी परिवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो ये 19 लाख नागरिक जो मुफ्त राशन पा रहे हैं, गांधी परिवार इन परिवारों से कहेगा क्या? अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी की टीम ने अमेठी में कैंप करना भी शुरू कर दिया है, ऐसी खबरें। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 1 मई को अमेठी में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। जानकारी यह भी है कि 26 अप्रैल के चुनाव के बाद 27 अप्रैल से ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव होंगे, अमेठी पहुंचने की उनकी संभावना है।
अमेठी रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं, आप सब जानते हैं। यही अमेठी राहुल गांधी को 2 बार सांसद बना चुका है, जबकि रायबरेली के से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी लगातार जीत का परचम लहराती रही हैं। 2019 में राहुल गांधी जरूर अमेठी की सीट हार गए थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था, इसलिए वो वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ते दिखाई पड़े थे, जहां से जीत कर वो संसद पहुंचे थे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और अब जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो एक्टिव होंगे वायनाड के चुनाव के बाद, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए, एक हिंदी बेल्ट को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और बीजेपी जो लगातार तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है कांग्रेस को, उसको भी शायद संभालते हुए ये कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कोई औपचारिक तौर पर लिखित अभी तक कोई मामला ऐसा सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन दाखिल करेंगे, हो सकता हो 1 या 2 तारीख को, और उससे पहले वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।